हमीरपुर की कन्या विद्यालय में जमा एक की छात्रा शिवाली की मेहनत रंग लाई है और हमीरपुर के अणु में चल रही 3 दिवसीय राज्य स्तरीय एथलेटिक प्रतियोगिता में शिवाली ने प्रथम स्थान हासिल करते हुए 1500 मीटर दौड़ में गोल्ड जीता है। शिवाली ने अपनी जीत का श्रेय अपने कोच रजनीश शर्मा को दिया। शिवाली ने गत वर्ष राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था और इस बार मेहनत करते हुए गोल्ड मेडल हासिल किया है। शिवाली एथलेटिक्स में रहते हुए पुलिस ज्वाइन कर सेवा करना चाहती है। खिलाड़ी शिवाली ने बताया कि पूरे साल की मेहनत रंग लाई है और कोच के द्वारा करवाई गई प्रैक्टिस के बलबूते पर ही आज ये सफलता मिल पाई है। शिवाली ने बताया कि कोच रजनीश शर्मा सुबह शाम गाड़ी लाकर मैदान में प्रैक्टिस करवाते थे, जिस कारण ही मेहनत रंग लाई है। 1500 मीटर की रेस उसमें मैंने गोल्ड मेडल हासिल किया, उससे मैं बहुत खुश हूँ और ये श्रेय मैं अपने सभी गुरुजनों को देना चाहती हूँ। मेरे एथलेटिक्स कोच रजनीश शर्मा जी, वो मेरे को स्कूल से बाद मेरे को प्रैक्टिस करवाते हैं। बिल्कुल, मैं बहुत मेहनत की है। पिछले साल मेरे को ब्रॉन्ज मेडल था, इस साल मैंने मेरे को ये था कि मैंने गोल्ड मेडल लेना है। स्कूल से सीधा यहीं पे आती हूँ सबके साथ गाड़ी में, और यहाँ पे सर मेरे को प्रैक्टिस करवाते हैं। शाम को बस स्टैंड छोड़ने के लिए जाते हैं घर में। मैंने पढ़ाई में भी वैसे ही रखना है और स्पोर्ट्स में भी, और इससे मैंने पुलिस बनना है। वहीं शिवाली के कोच रजनीश शर्मा ने बताया कि शिवाली की मेहनत रंग लाई है और रोजाना सुबह और शाम मैदान में आकर प्रैक्टिस करती थी। उन्होंने बताया कि प्रैक्टिस के शेड्यूल को ईमानदारी से निभाती है, जिस कारण ही लक्ष्य हासिल हुआ है। इसकी परफॉर्मेंस से बहुत ही खुश हूँ। लगभग ये शाम के टाइम 3 बजे से लेकर 5 बजे तक प्रैक्टिस करती है, और मैं लगभग मेरा एम है कि ये नेशनल में मेडल जो है वो प्रदेश के लिए जीत लेगा। बहुत ही डिसिप्लिन लड़की है, जैसे इसको बोला जाए वैसे ये काम करती है। जैसे भी प्रैक्टिस में इसको शेड्यूल दिए जाए वो पूरी ईमानदारी के साथ ये वर्कआउट जो है वो पूरा करती है। तो आप इसके फिजिकल कोच मतलब टीचर हैं या फिर आपने? मैं टीच नॉन मेडिकल हूँ वैसे, लेकिन मैं स्पोर्ट्स कोटे से ही जो हूँ नौकरी प्राप्त की हुई है। मैं भी एथलेटिक्स लगभग 6-7 साल मैंने यहाँ अणु के ग्राउंड में की हुई है।